سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما जितनी आवाज के साथ आसानी पढ़ेंगे इंशाल्लाह मुझे पता चल जाएगा आप कितनी तकलीफ में बच जाते हैं। मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वअला सय्यिदिना فرمانِ اقدس ہے جب تم کوئی محفل سجا لو اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ ایک مجلس سج جائے تو فرمایا اگر تمہارا دل کرتا ہے کہ تمہاری محفل اور سج جائے فرمایا مجھ پر درود پڑھو تمہاری محفل اور سج جائے سبحان اللہ محفل تو انہوں نے سجا لی ہے بڑے محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ مزید جو سجنی ہے وہ ہم نے سجانا ہے ہمارے لبوں سے نکلنے والی آواز سے محفل سج جائے تو مل کے بآواز بلند سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله نصيبا واليانو يا سردار ہوں دے
सजाई है। काफी अच्छे के बाद माशाल्लाह आपके इलाके में आया हूं, तो क्योंकि इस दफा मेरा शेड्यूल ज्यादातर फैसलाबाद से बाहर था, इस्लामाबाद, चकवाल, लाहौर, बहावलपुर, इनके काफी दूर दूर था। मेरी कोशिश यही थी कि इस दफा फैसलाबाद में नहीं, मैं बाहर ही पढ़ूं। तो अब रात किसी साहब ने जिद की, नहीं भी आपने आना यहाँ, तो मैं आ गया, वो कुछ चले गए, चले वो मेरा कल डरने में गए, डरने में गए। हजरत गिरामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कृपा की महफिल सजाने वाले पर खुशकिस्मत, ये जो गड़ियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर में गुजरेगी, ये जिंदगी की बेहतरीन गड़ियों में शुमार किया जाएगा। तशरीफ फरमाए हैं, लकी भी माफी तशरीफ फरमाए हैं, नाम से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ। बस असल में पूरे पंजाब में जब जाना है तो जगह जगह उशाका ने रसूल माशाल्लाह मोहब्बत वाले चेहरे नहीं भूलते, नाम भूल जाते हैं। अगर मैं नाम भूल भी जाऊँ तो कोई मसला नहीं है, जिस नबी के जिक्र के लिए बैठे हैं वो किसी के नाम को नहीं भूलते। हजरात गिरामी, इस दुनिया में अगर हम गौर करें ना इस बात की तरफ कि हमसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, हमने इस बात की तरफ आकर गौर करना है कि हमसे सबसे ज्यादा क्या हमारी माँ प्यार करती है, क्या हमारा वालिद प्यार करता है, हमारे बच्चे प्यार करते हैं, हमारे रिश्तेदार प्यार करते हैं, बीवी प्यार करती है, कौन प्यार करता है। अगर हम इसकी तरफ गौर करें ना तो कुरान से जवाब आता है। कुरान पढ़े तो पता चल जाता है कि पूरी कायनात में रब के बाद अगर कोई बंदे से प्यार करता है तो रब का हबीब ही प्यार करता है। अच्छा, कोई बंदा आपको कोई खबर दे, यार पुराना बंदा हमारे इलाके में रहता है, वो आपकी बात ही करता रहता है, आपका बड़ा नाम लेता है, तो आपसे बड़ा प्यार करता है, आपको खुशी होगी? यार वो मेरी बात करता है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। अगर कोई आम बंदा प्यार करे उसके प्यार में शक हो सकता है, मगर मैं आमना के लाल की बात कर रहा हूं, जिसके प्यार में शक ही नहीं है, जिसके प्यार में शक ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फरमाया ताकि तुम्हारी तरफ वो रसूल आए हैं जो तुम्हारी भलाई के बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, और उम्मतियों का
तकलीफ में जाना उन्हें गिरा गुजरता है और मोमिन के लिए रऊफ भी है रहीम भी है, ये मैंने मफहूम में तर्जमा पेश किया है। तो इसमें मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों से इतना प्यार करते हैं कि कंडा उम्मती में चुभे ते तकलीफ रब दे हबीब न होंदे। ये तो सुभान अल्लाह उच्ची कहना सी कंडा उम्मती में चुभे ते तकलीफ रब दे हबीब न होंदी। इतना प्यार साडे नाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करदे ने। तो असि मिलाद मनाने हैं मगर कभी यह नहीं असी सोचा कि असी मिलाद वाले नबी नु भी मनाया है। असी मिलाद ते मनाने हैं ना, क्या असी मिलाद वाले नबी नु भी मनाने हैं? अज ये वेखना कि सरकार साडे नाल कितना प्यार करदे ने ते असी सरकार नाल कितना प्यार करदे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सरकार दे नाल कितना प्यार किया है। जबकि ओहद गल शुरू हो गई है सुभान अल्लाह कह दो सुभान अल्लाह एक खबर उन्हें काफ़ा ने फैलाई सी कि मदीना तुल मुनव्वरा के अंदर एक सहाबिया पता लग गया। वो दौड़ी उह के मैदान वाल दौड़ी जाती है कि मैं जल्दी जल्दी जाके अपने प्यारे नबी का चेहरा भी दौड़ते ना। जो आई है तो एक सहाबी रस्ते में मिले कह लगा माई तू दौड़ी जानी है? हाँ जी मैं हजूर वेख जा रही मैं अपने नबी वेख जा रही हूँ। वो कह लगा माई तेरा पुत्र शहीद हो गया। थोड़ी देर रुकी कह लगी चल पुत्र शहीद हो गया अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह मेरे दसो मेरे नबी का क्या हाल है? सुभान अल्लाह मेरे मेरे नबी का क्या हाल है? जो इनी गल हुई उस आके दिनों अगे पता लगना है माई चल पई चल गया चल गया दसो मेरे नबी का की हाल है। अद्धा टाइम लग गया जे अद्धा रह गया जे तुम ना सुबान लग गया तो मैं तकरीर फिर कल आगे मैं अपने जाके सुना देनी है। इसलिए सुबान लग गया कम चलता रहेगा मगर ये थीम के काम हो जाएगा क्योंकि थोड़ा जब कभी चंगी तरह बंदा सरकार की बात में हाजिरी लगा लगे ये बहुत बड़ी बात हो रही है। तो इसलिए जरा तवज्जो करना है सहाबिया यानी कोई गल नहीं के बाप शहीद हो गया कोई दसो मेरे नबी का की हाल है भाई भी हुजूर तो कुर्बान हो गया बीबी आ गई धनवाद दे मदीने के चन तो चन वार दे
मैं सुकून नहीं मिलना जिन्नी देर तक मैं अपनी अखा दे नाल नहीं मिलना जिन्नी देर तक मैं अपनी अखा दे नाल नहीं तकना चल पई तू तो चल दे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं मेरे अल्लाह ने तक लिया वेख के तेरा चन्न वेख के
के तेरा चने चन गया आप मन दिल लगन खुद हुसन हुसन आमिना बड़ा सोना मिंबर बनाया ते पेश कीता तेरे ते मेरे नबी जदों उस मिंबर दे उत्ते जलवागर हो के अपने गुलामां नूं गल्लां पे सुणांदे मैं कुर्सी ते बवां तुसीं सारे सामने बैठे हो इक महफल सजीए इह ते साडी महफल ऐ इक महफल ओ दे मस्जिद नबी अंदर सजीए मेरे आका जो सहाबी ने
ਆਇਆ ਸਮਾਇਆ ਰੋਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬਾਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕਰਦਨੇ ਆ ਕਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਸੀ ਖਜੂਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦਨੇ ਆ ਕਾ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਏ ਨਾਲੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਊਠ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਏ थोड़ी देर ले तसम्मर करो जदों तेरे ते मेरे नबी ने गल सुनी जल्दी जल्दी मिंबर को छड़े आए कीता की ये बुखारी शरीफ की हदीस है ओ जड़ा हनाना में उस दरख्त के सीने जो तेरे ते मेरे नबी मदीने वाले का सीना लगया बंद हो गई पानी निकलना बंद हो गया मेरे नबी दसिया कला तुसी मेरे नाल प्यार नहीं कर उस जन्नत विच जाके की करना है जिथे तुसी नजर ना आओ मैं जन्नत विच जाके की करना है आका ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਖੁਦਵਾਈ ਗਈ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕੋ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਓਏ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੁੱਕਾ ਤਣਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮਦੀਨਾ ਮਨੋਗਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਰਮੀ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਇਆ ਹਰਮੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਬ ਗਏ ਹਰਮੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ
क्यों न बोले अन बोलिया बुला जान गाए बोलिया बुला जान गाए गुग्यान बल्ला करा जान गाए गुग्यान बल्ला करा जान गाए गुग्यान बल्ला ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਹੋ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਕਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਛੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਏ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ अपने बच्चों इतना प्यार कर दिए रब ने हबीब ने दस लिया है लोको मावा मावा ने मां चाहे किसी जानवर की हो रोटी दे कर करके पा के दस दिए मामा मामा कदी खोजना पा के जानवर जिम्मे प्यार अपने रख दिता है जड़िया साड़िया मावे नाल कितना प्यार कर दिया हो बड़ी शान वाली अपने मां की भी कदर कर लो अपने बाप की भी कदर कर लो गड्डी के पिछे सिर्फ ये नहीं लिखाना मेरी मां भी दुआए ना ना जेरे बाप ने दिन रात तेरे लिए एक कीता है जिन्हें दिन ने वेख्या रात ने वेख्या तेरे लिए कम करता रहे तू ओदा नाम क्यों नहीं लिखवाना गड्डी के पिछे ये भी लिखवा मेरे मां बाप की दुआए बाप खुशे रब खुशी मां खुशे रब खुशी अल्लाह करे सारे जिन्ने बैठे हो साढ़े तो साढ़े वाले राजी हो जाओ अपने बच्चों फरमान की गल हुई है मेरा दिल कर रहा का जिन्ह दिया मावा तो उन्होंने तो दूर गई ने हो गया मैं चल जे तू ना आई
आका मैनू जहन्नम जलावे मैं जहन्नम विच जलाऊं तेरे ते मेरे नबी ने जाल नु खुद फड़ लिया हर ने नु छड़ दिता हर नहीं दौड़ती जांदी दौड़ती जांदी अपने बच्चियां वल इधर हरनी दा मालिक आ गया आके कहन लगा जी आ की कीता है मेरा शिकार बड़ा मुश्किल फड़या आया तुसी छड़ दिता है हुण तेरे बोलन दा वेला है तेरे ते मेरे नबी ने फरमाया ओ चुप कर जा अपने बच्चियां नु मिलन गई है आ जा नबी मेरा दिल करदा है गोलड़े दे ताज दा पीर मेहर अली शाह अले रहमा आपने जो हजूर दा चेहरा तकिया है सरकार का चेहरा तक के त्याग कलाम लिख देते लोगों को दस देने मुख चंद में बदल शाह दौड़ी जा रही है ते जाके अपने बच्चे नूं बच्चे ओ मिल लो भाई आखिरी बारी मैं तैनूं आखिरी बारी मिलन आई हां बच्चे कहन लगे मां आखिरी बारी अबे हां मैं हस दिन से अल्लाह दे नबी ने मेरी जमानत दित्ती है अल्लाह दे नबी ने मेरी जमानत दित्ती है ते मैं हुण वापस जाना है मैं आखिरी बारी तैनूं दुध पिलाण आई हां मिलन आई हां मिल लो ते जो बच्चे कहन लगे मां जे तू ही चली गई ते असी इत्थे रह के की करना असी भी तेरे नाल ही जाना बच्चे भी नाल ही चल पे इधर उड़ीकदे पे ने वो बंदा उड़ीकदे कि किवें होए करके हरनी वापस आए पर हुजूर दा चेहरा तकदा आए हाय हजरात दे गिरामी जो चेहरा तकदा पे आए इधर वो हरनी कल्ली नहीं आई बल्कि अपने दो बच्चियां नु भी नाल लेके आई है मजे वाली गल ए जदों आई है आके तेरे ते मेरे नबी दे कदमां नु चुमण लग पई है तेरे ते मेरे नबी दे कदमां नु चुमण लग पई है बोसे पे लेंगे तेरे ते मेरे नबी ने इन कोनु कन तो फड़े आवे फड़ के ते ओदे मालिक दे हवाले कीता लै भई शिकारिया तेरा शिकार आ गया वे वेख के कहन लगा जी तेरा अपना तारफ करावो जदों तेरे ते मेरे नबी ने अपना तारफ कराया है ओने कलमा पढ़ के सुनाया वे
ਤੋਂ ਵਸਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਲੋ ਹਰਨੀ ਨਾ ਹਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਮਾਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਖਾਂ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਪਹਾੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਬਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਸ਼ਕੀਨ ਆਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਬਰੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਰਿਆਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਦਮ ਦਮ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਏ ਦਮ ਦਮ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਏ
ਭੇਜਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਖੈਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ 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 ਪਹਾੜ ਤਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੇ ਆਖਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਫੜੋ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਫੜਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਪੀਓ ਪਾਣੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਬੂਬ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਡਾ ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਡਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮਸ਼ਕੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ ਆਖਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਖਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਖਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਕਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਦੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਨਾ ਤੇ ਚੌਦਵੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਾ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਵੇ ਨਯਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਮਾ ਲਾ ਤੇ ਜਮਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਯਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ
बयान के सच्चे सानू सच्चा आशिक बना दे। करना है तो हुजूर न करो।